हेलो एवरीवन, तो आज हम इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th बीहाइव बुक से जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो स्टोरी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्नेक एंड द मिरर, स्नेक मीन्स होता है सांप और मिरर मीन्स होता है एक शीशा जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं। इस स्टोरी के अंदर एक डॉक्टर जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, वो एक कहानी सुना रहा है किस तरह से उसका एक बार सांप के साथ आमना सामना हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी को, और इस स्टोरी को वो सुना रहा है राइटर को, और राइटर हमें बता रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कभी स्नेक ने आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे कुंडली मारी है, अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी किसी कोबरा ने, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप हो गए, द क्वेश्चन फ्रेम केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यहाँ होम्योपैथ कौन है, मैंने अभी आपको बता दिया, वो एक डॉक्टर का नाम है, एक डॉक्टर ने पूछा, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, यानी कि कुछ लोग बैठे हुए हैं उसी में वो डॉक्टर भी बैठा हुआ था और बात चल रही थी, तब वो जो डॉक्टर है वो बोला, क्या किसी ने किसी का कभी आमना सामना हुआ है स्नेक से, वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और हमने उसकी कहानी को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुना। तो यानी कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो कहानी सुना रहा है उसके साथ उसका किस तरह से आमना सामना हुआ था, किसके साथ, एक सांप के साथ, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, पहले एक सीन दिखा दिया फिर 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लस कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सर हम आपकी वीडियो ढूंढते हैं नहीं मिलती, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई आप लेसन ढूंढो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ढूंढो, तो उस चैप्टर का नाम लिखने के बाद YouTube पे उसके आगे लिख देना बाय इंग्लिश बाबा। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्नेक एंड द मिरर, अगर आपको ये चैप्टर ढूंढना है तो आप लिखना द स्नेक एंड द मिरर बाय इंग्लिश बाबा, और वो शुरुआत में ही आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, यानी कि गर्मियों की रात थी और रात के कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, अब देखो यहाँ पे आई यूज हो रहा है नरेटर के लिए, और कौन कहानी सुना रहा है, वो डॉक्टर सुना रहा है किसको, होम्योपैथिक डॉक्टर, उन सभी लोगों। मैंने अपना खाना खाया था, रात का खाना, एक रेस्टोरेंट में, और अपने कमरे पर वापस लौटा। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला मुझे ऊपर से आवाज आई, क्या आवाज आई, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, और ये जो आवाज थी ये जानी पहचानी आवाज थी, वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम, किसी कोई भी बता सकता था कि जो रेट्स थे और जो चूहे थे और मैं रूम को शेयर करते थे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वो ये बताना चाह रहा है कि जिस रूम में मैं रहता था उसमें बहुत सारे चूहे भी रहा करते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने अपनी माचिस निकाली, और वो जो केरोसिन लैम्प क्या होती है, जैसे लैंटर्न वगैरह आपने देखी होगी पुराने जमाने में चलती थी, जिसमें तेल भर देते थे और फिर वो जला देते थे, तो मैंने वो जला दी। The house was not electrified. अब देखो जैसे हम आजकल के घरों में रहते हैं तो हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था है, हमने एक स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई, तो वो बता रहा है जिस घर में वो रह रहा था वो घर कैसा था, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब उसमें कोई बिजली वगैरह नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा कमरा था जो कि मैंने किराए पे लिया हुआ था, रेंटेड का मतलब है किराए पे। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेयर्ज, मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, देखो जब कोई नया नया डॉक्टर बनता है तो नई नई कोई दुकान वगैरह खोली थी उसने डॉक्टरी की, और जो मेरी जो अर्निंग थी, मेरी जो कमाई थी वो बहुत ही, मेयर्ज का मतलब है बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस, और मेरे रूम के अंदर जो मेरा सूटकेस रखा हुआ था उसमें 60 rupees के करीब थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और कुछ शर्ट्स थी और धोतीज, धोतीज आप जानते ही होगी जो कुर्ता धोती जो इंडिया में पहनी जाती है वो। आई ऑल्सो पजेस्ट वन सोलिट्री ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, और मेरे पास एक ही, सोलिट्री का मतलब है एक ही था, एक काला कोट भी था और वो काला कोट मैंने उस टाइम पे पहना हुआ था। तो पूरी बात समझ में आ गई, रात की बात है करीबन 10 बजे की, गर्मियों की, वो डॉक्टर अपने घर में घुसा, उसने दरवाजा खोला तो कुछ आवाज़ सी आ रही थी जो कि यूजुअल आवाज़ थी, और वो आवाज़ किसकी थी, चूहों की आवाज़ थी, और क्योंकि घर में लाइट नहीं थी तो उसने माचिस जलाई और वो जो केरोसिन लैम्प थी, जो लैंटर्न वगैरह होती है, उसे जलाई, ठीक है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट वाइल वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना काला कोट उतारा, सफ़ेद जो शर्ट पहनी हुई थी वो उतारी, और वाइट वेस्ट, वेस्ट होती है बनियान, जो आदमी लोग जो बनियान पहनते हैं उसे वेस्ट बोलते हैं, और मैंने उसे उतार के
टांग दी। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ नॉट सो वाइट। नॉट सो वाइट क्यों यूज हुआ आपने देखा होगा, क्योंकि जो वेस्ट है, जो बनियान है, वो अंदर पहनी जाती है तो पसीने की वजह से वो थोड़ी सी पीलीपन या उस तरह से हो जाती है, तो हो सकता है उसके केस में भी ऐसा ही हुआ हो। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। अब जाहिर सी बात है भाई, घर के अंदर बिजली वगैरह तो थी नहीं, तो उसने विंडोज खोली हवा वगैरह आने के लिए। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, और ये बाहर की तरफ रूम बना हुआ था उस घर में, और जो इसका जो एक वॉल थी वो किसको फेस करती थी, किसकी तरफ थी, यार्ड की तरफ, बाहर की तरफ, मैदान की तरफ। इट हैड टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और इसकी जो छत थी ऊपर की वो कैसी थी, टाइल लगी हुई थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। अब देखो गेबल्स क्या होता है, यहाँ पे ये दिख गया आपको, अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ। ये जो पार्ट दिखाया हुआ है डायग्राम में, इधर आपको दिखा देता हूँ और दोबारा से, ये गेबल है, तो गेबल था उसमें, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, और उसमें कोई सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम आई मेड, और कहने का मतलब जिस कमरे में मैं रह रहा था उस कमरे के अंदर इतने ज़्यादा चूहे थे कि चूहे इधर से उधर आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड, मेड माई बेड का मतलब है सोने के लिए मैंने अपना बेड लगाया और कहाँ पे खींच लिया, वॉल के मतलब दीवार के पास। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ पाई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर, मैं थोड़ा सा वहाँ से उठा और वरांदे जो खाली जगह पड़ी थी वहाँ की तरफ गया ताकि थोड़ी हवा ले लूँ। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जो विंड गॉड थे, विंड गॉड मतलब पवन देव थे, वो छुट्टी पर थे, कहने का मतलब कोई हवा नहीं चल रही थी। अब हो सकता है जो भैया विंड गॉड हों वो अपनी मैडम के पास गए हों, है ना, वो भी कहते हैं कि दिन भर बहते ही रहते हो ना, थोड़ा हमें भी टाइम दे दिया करो। चलो भाई मजाक खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। I went back into the room and sat down on the chair. मैं दोबारा से रूम में चला गया और चेयर पे आके बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book. बुक, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी मुझे तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स खोला जो कि टेबल के नीचे रखा हुआ था और उसमें से एक बुक निकाली, द मटेरिया मेडिका। अब देखो वो कौन है, डॉक्टर है, तो उसके पास जो बुक होगी वो भी कैसी होगी, डॉक्टरी की कोई बुक निकाली उसने। I opened it at the table on which stood the lamp. ठीक है, मैंने इसे खोली और कहाँ पर रख ली, टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर क्या रखी हुई थी, एक लैंप रखी हुई थी और लार्ज मिरर, बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। A small comb lay beside the mirror, और मिरर के बराबर में ही एक कंघा रखा हुआ था। तो देखो विजुलाइज करो, टेबल है, टेबल के ऊपर उसने किताब खोल के रखी है, वहीं पे वो लेल्टन जो जली हुई है वो है, और एक मिरर लगा हुआ है दीवार पर, उसी के सहारे क्या रखा हुआ, एक कॉम कंघा रखा हुआ। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। अब वो बता रहा है देखो कोई भी जवान आदमी, जैसे हम लोग होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप किसी मॉल वगैरह में किसी उसमें जाते हो, जैसे बड़ा सा शीशा दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं आप अपने बाल वगैरह सेट करने लगते हो, अच्छा लगता है हमें। आई टुक अ लुक, मैंने भी अपने आप को देखा, किसमें, शीशे में। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, क्योंकि उन दिनों में यंग था तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपनी ब्यूटी को, अपने आप को बार बार देखना, और मैं चाहता था और ज़्यादा, क्या आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, मैं भी चाहता था कि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ, और ज़्यादा बढ़िया लगूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर भी था, तो वो क्या बता रहा है कि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगता था, हो सकता है चाहता हो बेचारा कोई लड़की वड़की पट जाए उससे, बढ़िया कोई आ जाए पेशेंट बन के। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैं ये महसूस करता रहता था कि मुझे स्मार्ट लगना है ताकि मेरी प्रेजेंस भी लोगों को फील हो, मतलब लोग मुझे नोटिस करें। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने comb उठाया, कंघा उठाया, अपने बालों में फिराया इस तरह से। Parting जहाँ पे जो word आया वो होता है मांग, जो हम मांग निकालते हैं ना बालों के, ताकि वो जो मेरी मांग है वो बढ़िया से लगे, straight दिखे और neat. Again I heard that sound from above. और वो जो आवाज़ आ रही थी फिर से, मैंने वो दोबारा से वो आवाज़ सुनी ऊपर से। अब देखो रूम के अंदर वो जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है, वो चूहों की आवाज़ है, ठीक है। I took a close look at my face in the mirror. मैंने दोबारा से अपने चेहरे को मिरर में देखा। I made an important decision. और उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली, क्या, I would shave daily. रोज मैं दाढ़ी बनाया करूँगा and grow a thin mustache to make more handsome. To look more handsome. उसने ये सोचा कि यार मैं तो इतना अच्छा खासा डॉक्टर हूँ, मैं तो किसी भी लड़की वड़की को पटा सकता हूँ। वैसे ये वाली बात उसने कही नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ।
कि मैं रोज़ शेव किया करूँगा, दाढ़ी बनाया करूँगा और पतली सी मूछ रखूँगा जिससे मैं और ज़्यादा क्या लगूँगा, हैंडसम लगूँगा, सुंदर लगूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, और मैं तो कुंवारा था, बैचलर मीन्स कुंवारा भी था और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर की तरफ देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मेरी स्माइल मुझे ही क्या लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैंने ये कहा कि न केवल मैं रोज़ दाढ़ी बनाया करूँगा और मुस्टाश तो छोटी सी मूछ रखूँगा, इसके अलावा मैं स्माइलिंग फेस रखूँगा, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन अ टॉप ऑफ इट, एक तो मैं कुंवारा था और उसमें भी ऊपर से भाई साहब क्या था, डॉक्टर भी था। अब तो लग रहा किसी को फंसा के ही मानेगा डॉक्टर, चलो कोई नाम तो आगे पढ़ लेते हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और फिर से वो अबव यानी टॉप से जो शोर आ रहा था वो फिर से आ रहा था। आई गॉट अ पेस्ड अप डाउन द रूम, अब मैं वहाँ से उठा और उठ के चला। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर दूसरा विचार आ गया मेरे दिमाग में। आई वुड मैरी मुझे मैं जब शादी करूँगा, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। अब वो सोचने लगा कि जब मैं शादी करूँगा तो एक ऐसी लड़की से करूँगा जो खुद भी एक डॉक्टर हो और मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, इफ आई हैड मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और वो क्या सोचने लगता है कि जिस लड़की से मैं शादी करूँगा, एक तो वो डॉक्टर हो, अच्छे खासे पैसे कमाती हो, प्लस वो थोड़ी सी मोटी हो, फैट हो, मोटी हो। मोटी क्यों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कोई गलत काम बिगाड़ दिया या उसे उसने मुझे कोई गलत काम करते हुए पकड़, अगर वो मुझे पीछे भागेगी मुझे मारने के लिए, तो इतनी मोटी होगी तो वो मुझे भाग मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, अपने इन्हीं विचारों को दिमाग में लेते हुए दोबारा से मैं चेयर पर बैठ गया वही टेबल के सामने। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब तक जो आवाज़ आ रही थी चूहों की जो ऊपर से आ रही थी, अब वो अचानक से आवाज़ आना हो गई बंद। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और तभी अचानक से एक थड किसी आवाज़ आई जैसे कि कोई रबर की ट्यूब ऊपर से गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, मतलब आवाज़ जो आई ना, मैंने उस आवाज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था, मैं भाई साहब ये कर लूँगा, मैं शादी कर लूँगा और लड़की पटा लूँगा, बढ़िया मोटी होनी चाहिए ताकि मुझे पकड़ ना पाए, उसके पास पैसा होना। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर मैंने चला देखूँ, मैंने सोचा चलो यार देख ही लेता हूँ क्या है पीछे, चलो मैंने देख लिया। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, जैसे भाई साहब मैं जो पीछे मुड़ा और मैंने जब देखा भैया क्या मैं पीछे मुड़ा ही था कि मेरे ऊपर एक कौन आ गया, एक मोटा सा स्नेक, और उसने मेरे शोल्डर के चारों तरफ क्या मार ली, कुंडली। क्या हुआ, थोड़ी देर पहले उसे आवाज़ आई थी तब तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ा तुरंत वो क्या देखता है कि उसके ऊपर एक मोटा सा स्नेक, मोटा सा सांप आ जाता है और कुंडली मार लेता है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है जब दो काम एक साथ हो, मेरा मुड़ना और सांप का मेरे ऊपर गिरना, द स्नेक्स की लैंडिंग, सांप का गिरना ऑन मी और मेरा मुड़ना बिल्कुल एक ही टाइम पे हुए। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, ना तो मैं कूदा ना ही मैं कांपा, आई डिड नॉट क्राई आउट और ना ही मैं चीखा। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि इस तरह कोई टाइम ही नहीं था ये सब करने का। द स्नेक स्लिदर अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, अब स्नेक ऊपर मेरे शोल्डर से होते हुए उसने कॉइल मार ली, मतलब कुंडली मार ली, कहाँ पे, अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरे उल्टी बाह में अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, अब एच डबल हुड क्या होता है, सांप का जो फन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सपेरे जब खेल वगैरह दिखाते हैं सांप का, तो वो हुड फैला लेता है सांप अपना, उसे बोलते हैं फन। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना फन फैला लिया एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और वो बस मेरी तरफ ही, मतलब क्या उसने कुंडली मार रखी है मेरे हाथ पे और उसका जो फन था मेरे मुंह से मुश्किल से 3 or 4 inches की दूरी पर होगा। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ,
ये कहना मेरे लिए गलत नहीं होगा कि वहां पे बस मैं मुश्किल से अपनी सांसों को रोके हुए खड़ा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पत्थर में बदल गया हूँ। देखो ये आगे बढ़ने से पहले इस चीज को समझ लो, वो वहां पे ये वाली बात क्यों कह रहा है, मैं चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, मैं हिला नहीं, मैंने अपनी सांस रोक के रख ली, आई वॉज टर्न टू स्टोन। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हिलेगा डुलेगा वो तो सांप डस सकता है, सांप उसे काट सकता है, तो उसने बिल्कुल भी हिला नहीं, डुला नहीं, ना ही बोला, हालांकि उसे डर तो लग रहा, अंदर से अंदर लुप लुप हो रही है उसकी, लेकिन हिल नहीं रहा। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा माइंड एक तरफ बहुत एक्टिव था, द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। अब जो मेरा जो दरवाजा था अगर मैं उसके बाहर की तरफ देखूं तो भी वहां भी अंधेरा था, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस और रूम के अंदर भी पूरा अंधेरा अंधेरा। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज ऑफ द फ्लैश, और वहां पे वो जो छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी, वो जो लैम्प की जो मैंने जला रखी थी, उसके बीच में बस मैं पूरी तरह से एक मांस का एक बुत बन के, एक पत्थर बन के बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब क्या हुआ, जैसे हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कब तुरंत हम हे भगवान याद करने लगते हैं। अब वो मन मन में हिल डुल तो सकता नहीं है, उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। गॉड वॉज देयर सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। गॉड ईश्वर वहां था सपोज, लेकिन अगर मैं कुछ कहता और अगर उसे मेरी बात पसंद ना आती, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउट साइड माई लेटर हार्ट द वर्ड ओ गॉड। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं भगवान को तेज तेज चिल्लाता तो जाहिर सी बात है मैं चिल्लाता, मेरे मुंह से आवाज आती, मेरी बॉडी हिलती, और अगर उसे पसंद ना आती तो वो मुझे काट लेता, तो मैं भगवान का नाम भी तेज तेज नहीं चिल्ला सकता था, बस मैं मन ही मन में भगवान को याद कर सकता था, ओ गॉड हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब देखो लेफ्ट आर्म में क्या बंधा हुआ है, वो सांप जो है उसके लेफ्ट आर्म में है काफी देर से। इट वॉज एज इफ, तो उस वजह से दर्द होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नॉट अ रॉड, नॉ अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। देखो आप लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी, सांप भले से देखने में पतला लगता है या देखने में ऐसा लगता है कि रस्सी की तरह, लेकिन जो सांप की जो कुंडली होती है, जो वो जो कॉइल बना लेता है, वो इतनी मजबूत होती है। तो अब क्योंकि उसने उसके उल्टे हाथ को कॉइल किया हुआ है, तो अब वो बता रहा है कि मेरे उस हाथ में इतना दर्द होने लगा जैसे कि किसी ने मतलब जलती हुई जो रॉड है, जलती हुई लोहे की रॉड है, उससे मुझे हिट किया हो, उससे मुझे मारा हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और मेरी जो आर्म की, मेरी जो बाह थी, भुजा थी, उसकी पूरी ताकत जा रही थी। वॉट कुड आई डू, और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर मैं जरा सा भी हिलता तो सांप कर देता बेटा अपना काम। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, स्लाइटेस्ट मूवमेंट में अगर मैं हल्का सा भी मूवमेंट का दिखा देता, हल्का सा भी हिलता डुलता, तो सांप अपना काम कर देता यानी डस लेता। डेथ लग्ड 4 inches अवे, जो मौत थी मुझसे 4 inch की दूरी पर थी। यहाँ पर मौत किसके लिए यूज हुआ है, सांप के लिए। सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, और भगवान जाने अगर ये मुझे काट लेता तो मैं क्या दवाई लेता, देर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे के अंदर मेरे पास कोई ऐसी दवाई भी नहीं थी जो सांप के काटे की होती है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, अरे मैं तो एक छोटा सा गरीब सा गंदा सा डॉक्टर था। आई फॉगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, उस थोड़े से पल के लिए मैं अपना डर भूल गया और अपने आप पर ही मैंने स्माइल करी। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, अब मुझे ऐसा लगा कि अब जाके भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान को ये वाली बात पसंद आई। क्या, दैट द स्नेक टर्नड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। देखो अब तक क्या था, सांप बिल्कुल उसके मुंह की तरफ देख रहा था, उससे 4 inch दूर था, लेकिन उसके दूसरी साइड क्या था, वो मिरर लगा हुआ था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो वो कहता है लगता है भगवान ने जैसे इस चीज़ को, मेरी भगवान को ये चीज़ पसंद आई हो, भगवान ने मेरी सुन ली हो, तभी सांप ने अपना मुंह मोड़ा और किसकी तरफ देखने लगा, मिरर की तरफ। और मिरर की तरफ उसने अपना क्या देखा, भाई अगर सांप मिरर की तरफ देखेगा, शीशे में देखेगा, तो उसे क्या दिखाई देगा, अपना रिफ्लेक्शन, खुद की अपनी आकृति। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। अब वो बता रहा है हमें कि मैं ये तो नहीं कह सकता ये पहला स्नेक था जिसने अपने आप को उसमें देखा हो, शीशे में देखा हो, पर एक चीज के बारे में मैं बिल्कुल सर्टेन था, निश्चित था कि ये सांप किस में देख रहा था, अपने आप को देख रहा था शीशे में। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, वॉज इट ट्राइंग, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो सांप है वो अपने आप को देख रहा है एक शीशे में।
Perhaps it wanted to enjoy its reflection, to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. देखो इस चीज का मतलब समझते हैं, क्या वो अपनी खुद की ब्यूटी निहार रहा था? जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर अपनी आप सोच रहा था ना कि यार ये कर लूंगा, मूंछ रख लूंगा, ये कर लूंगा, कोई लड़की लड़की पट जाएगी, कोई बढ़िया मजा आ जाएगा तो अब वो सोचता है क्या सांप भी शायद कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, जैसे कि क्या पता उसे भी मूछ रखनी हो या आई शेडो लगाना हो जैसे लड़कियां वगैरह लगाती हैं, मस्कारा लगाना हो, वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स, वर्मिलियन स्पॉट होता है बिंदी, बिंदी को कहते हैं वर्मिल, या उसे या वो सोच रहा हो कि अगर मैं बिंदी लगा लूँ तो और ज़्यादा सुंदर लगूंगा. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन वॉट सेक वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल. मैं ये नहीं जानता था कि जो स्नेक है उसका सेक्स क्या था, मतलब कि वो एक मेल सेक्स था या फीमेल थी, नाग था या नागिन थी, ये मैं नहीं बता सकता. आई विल नेवर नो, और मुझे पता भी कैसे चलता. फॉर द स्नेक अनवॉन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप. अब क्या हुआ, स्नेक ने धीरे से उसके आर्म पे जो कुंडली बनाए बैठा था वहां से निकला और उसकी लैप में आके बैठ गया. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, और वहां से ये टेबल की तरफ चला गया एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और कहां चला गया, मिरर की तरफ. यानी कि पूरी तरह से अब डॉक्टर को छोड़ के अब वो कहां जाके बैठ गया, मिरर के पास. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद ये अपनी खुद की ब्यूटी देखना चाहता था पास से. आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट. अब वो कह रहा है कि अभी ग्रेनाइट होता है पत्थर, है ना, तो अब कह रहा है कि आई वॉज, अब तक वो क्या बन के बैठा हुआ था, सांप के डर से बुत बन के बैठा हुआ था, पत्थर बन के बैठा हुआ था, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब हालांकि अब मैं वहां से छूट सकता था. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब अचानक से दोबारा से मैं आदमी बन गया. मतलब यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि अब मैं दोबारा से हिलडुल सकता था. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अभी भी मैंने अपनी सांस पकड़ी हुई थी, मैं चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे की तरफ गया, वरांदे में बढ़ गया. फ्रॉम देयर आई लेप्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहां से भाई साहब मैं इतनी तेज भागा, ऑल आई वॉज वर्थ का मतलब है जितनी मुझ में ताकत थी वहां से भाग गया. फ्यू ईच ऑफ अस हैव heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? अब देखो, स्टोरी शुरू करने से पहले मैंने आप सबको क्या बताया था कि ये जो स्टोरी है इसमें जो डॉक्टर है वो कहानी सुना रहा है पांच छह लोगों को ग्रुप में. तभी वहां से कोई आदमी पूछता है, ओ डॉक्टर साहब ये तो बताओ, चलो अच्छी हुआ बच गए आप, ये बताओ कि आपकी जो वाइफ है, आप जो सोचते थे वो मोटी है क्या? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is thin, reedy person with a gift of a sprinter. Wow. डॉक्टर कहता है ना यार, भगवान को शायद इसका उल्टा ही मंजूर था, मेरी जो वाइफ है मोटी की जगह एक तो पतली है, और भाई साहब मैं ये सोचता था कि जब मुझसे कोई गलती हो वो मुझे पीछे दौड़े, मुझसे भागने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे ना पकड़ पाए, लेकिन भाई साहब वो तो स्प्रिंटर है. स्प्रिंटर कौन होता है? जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, धावक जो होते हैं, एथलीट, उन्हें बोलते हैं स्प्रिंटर. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? वहाँ भीड़ में जो और लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, जब आप भाग के गए तो डॉक्टर सांप भी आपके पीछे पीछे आया था क्या? The doctor replied, I ran and ran till I reached the friend's house. ना मुझे नहीं पता जी, मैं तो भागता रहा जब तक कि अपने घर, दोस्त के घर ना पहुँच गया. Immediately I smeared all oil all over myself and took a bath. तभी मैंने अपनी पूरे बॉडी पे तेल लगाया और नहाया. आई चेंज इन टू अ फ्रेश क्लोथ्स, मैंने कपड़े बदले. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. अगली सुबह लगभग 8:30 मैंने अपने एक दोस्त को लिया, एक दो लोगों को और लिया, और मैं उसी घर में पहुंचा ताकि मैं वहां से अपनी सामान उठा पाऊं. बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे हमने देखा भैया वहां पर तो सामान बहुत कम था. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोरों ने मेरी सामान चुरा लिया. द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, क्लीनड आउट का मतलब है साफ सफाई नहीं, मतलब चुरा लिया गया, मेरा जो सामान था वो चुरा लिया गया. बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन लगता था कि जो चोर है जिसने चोरी करी थी मेरे कमरे में, उसने भी मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी झंड करने के लिए एक चीज वहीं छोड़ दी थी. वो क्या थी? वॉट वॉज दैट आई आस्ट, वॉट वॉज दैट आई, अब यहाँ देखो वॉट वॉज दैट आई आस्ट का मतलब है ये राइटर जो जिसने ये स्टोरी लिखी जो हमें सुना रहा है. The doctor said, my vest. Doctor कहता मेरी जो vest थी, मेरी जो बनियान थी वो वहीं थी, the dirty one, वो भी गंदी सी. The fellow had such a sense of cleanliness. और जो
जो चोर था लग रहा है उसे भी साफ सफाई का बहुत ज्यादा शौक था, उसने कहा यार ये गंदी बनियान मैं नहीं चुरा सकता, उसने वो वहीं छोड़ दी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। ये जो रास्कल है, ये जो खराब सा आदमी था, यानी वो चोर के लिए कह रहा है, रास्कल वर्ड यूज कर रहा है कि यार अगर वो उसे ले जाता वो यूज कर सकता था, अगर धो लेता तो क्या दिक्कत थी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर क्या तुम्हें अगले दिन फिर से वो स्नेक दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर हंस के जवाब देता है, नहीं नहीं मैंने उस स्नेक को कभी दोबारा नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, और ये जो सांप था वो तो खुद अपनी ही सुंदरता में खोया हुआ था, मतलब उसे मुझे काटने की बजाय या कुछ करने की बजाय उसे अपनी सुंदरता में ज़्यादा ही वो खोया हुआ था। और यहाँ पर हो जाती है हमारी स्टोरी ख़त्म। आई होप ये जो स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। अब मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मेरा अंदाज कैसा लगा। और देखो फिर से मैं जाने से पहले आपको बता दूं, जब भी कोई भी आप चैप्टर ढूंढो या किसी भी और चैप्टर की आपको ज़रूरत है, ग्रामर के अंदर आपको किसी दूसरे टॉपिक की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मुझसे यानी इंग्लिश बाबा से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर ले लो 8059041145, 8059041145, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। मुझे कॉल भी कर सकते हो, ना भी कॉल उठाऊं तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। आई विल सी यू वंस अगेन विद अ न्यू चैप्टर, बाय।